सेकेंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। द फूड विच वी ईट इज नो एज डाइट। इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। चाहे कोई हार्ड वर्कर हो या बेसिक हो, हर एक को बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डाइट इज द डेली इनटेक ऑफ फूड बाय ह्यूमन बॉडी। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्कआउट। डाइट क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हम कार्य करते हैं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और हमारी ह्यूमन बॉडी का वृद्धि और विकास दोनों होते हैं। अगर प्रॉपर हमारे पास बैलेंस डाइट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं या तो ग्रोथ रुक जाती है या डेवलपमेंट रुक जाता है। सेकेंड टॉपिक है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस टेकन बाय द माउथ टू यूज फॉर एनर्जी इन द बॉडी। न्यूट्रिशनल, देर आर सिक्स मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर। सिक्स टाइप्स के मेजर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारी बॉडी में एक भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी उस न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो हम अपनी डाइट में लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, और माइक्रो उसे कहते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं हम अपनी डाइट में। अब फर्स्ट है इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल ऑफ द बॉडी। फर्स्ट है जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी। आप चाहे स्ट्रेंथफुल एक्टिविटी हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, कार्बोहाइड्रेट्स की ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट्स होती है। दे प्रोवाइड क्विक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये हमें क्या करते हैं, क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे रनर्स होते हैं या हमारी बॉडी फटीक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज ले लिया या जूस ले लिया, उसे हम लेते ही तुरंत हमें वो हमें क्या करता है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दे आर नॉट स्टोर इन अवर बॉडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यह लंबे समय तक नहीं रुकता, यह लंबे समय तक नहीं रुकता। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट ना हो, जिन्हें टाइम लगता हो डाइजेस्ट होने में, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब फर्स्ट देखिए इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन विटामिन मिनरल्स। दीज आर क्विक एनर्जी फॉर, ये क्या करता है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फ्रूट, मील्स, हनी, जैम, ग्लूकोज एक्सेट्रा। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज फ्यूल इन द बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। पीपल इन्वॉल्व इन हार्ड वर्क रिक्वायर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी। जो भी हम हार्ड वर्कर होते हैं उन्हें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और वह उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन ब्रेड, राइस, बाजरा, चना दाल और मूंग दाल। ये क्या होता है, तुरंत ये एनर्जी नहीं देते। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या थी, क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको क्विक नहीं होता, लंबे टाइम तक चलता है, पर ये बॉडी में स्टोर भी नहीं होता। सेकेंड नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, जो भी हमारी मसल्स, लीगामेंट्स, टेंडन, टिश्यू टूट जाते हैं या फट जाते हैं, प्रोटीन उनको रिपेयर का काम करता है, उन्हें रिपेयर करता है। इसीलिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है या हार्ड वर्कर होता है वो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेता है, इसीलिए लेता है वो ज्यादा, क्योंकि वो उसके मसल्स को या टिश्यू को या रिपेयर, उनको रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन।
देखिए प्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ऑल लिविंग सेल्स. प्रोटीन इज इसेंशियल टू बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स टिश्यू. बिल्ड बनाता है और अपनी रिपेयर करता है मसल्स टिश्यू को. द प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट कंटेन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. इट हेल्प टू रिपेयर टिश्यू. द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर होता है बटर होता है या आपकी स्वीट्स होती हैं या आपकी दही होती है ये सब क्या होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. सोयाबीन एग मीट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा. द सेल ऑफ मसल्स टेंडन एंड लीगामेंट्स आर मेंटेन विद प्रोटीन. ये क्या करता है प्रोटीन मेंटेन करता है आपके लीगामेंट्स और टेंडन्स को.